नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम का क्वेश्चन लिए हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो किलोग्राम का सबसे छोटा यूनिट होता है ग्राम, हम उसका हिसाब करना सीखेंगे बिल्कुल ही आसान तरीका से और काफ़ी आसानी से। आने वाले क्वेश्चन यानी इसके बाद आपके सामने जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 केजी का 70 रुपये तो 300 ग्राम का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों मान लीजिए हम कहीं भी मार्केट में गए हैं और वहाँ पर कोई भी वस्तु हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई भी राशन का सामान हो गया, कोई भी सब्जी हो गया, अगर हम 2 केजी लेते हैं उसको तो 70 रुपये देना पड़ता है। वहीं पर हमको 2 केजी नहीं, इसी रेट से सेम रेट से हमको सिर्फ 300 ग्राम लेना है तो इसका मूल्य कितना देना पड़ेगा यही हम सोच रहे हैं। तो चलिए सोचना नहीं है, काफ़ी आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 2 केजी का मूल्य 70 रुपये, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 2 केजी इसका मूल्य 70 रुपये दिया गया है। 2 केजी का मूल्य 70 रुपये, 300 ग्राम का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको छोटा करना होगा, जैसे 2 केजी है तो हम 1 केजी का मूल्य निकालेंगे, इसके बाद 1 केजी को हम छोटा करेंगे यानी ग्राम में करेंगे तब न जाकर हमारा 300 ग्राम का हिसाब हो पाएगा। तो देखिए 2 केजी का मूल्य 70 रुपये, तो 2 का आधा होता है 1, यानी 1 केजी का मूल्य 70 का आधा हो जाएगा 35 रुपये। 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 35 रुपये, यानी 2 का आधा 1 और 70 का आधा 35, समझ रहे हैं ना। इसमें 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कट कर 1 आ गया और 70 में 2 से भाग किया तो 35 आ गया। अब देखिए 1 केजी का मूल्य 35 रुपये, लेकिन हमको 300 ग्राम का निकालना है। तो देखिए जो 1 केजी होता है ना, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है। 1 केजी के बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अब 1 केजी का मूल्य 35 रुपये, तो 1000 ग्राम का भी मूल्य 35 रुपये ही होगा। अब देखिए हमको 300 ग्राम का निकालना है तो हमको क्या करना है, यहाँ से किसी भी तरह से 100 ग्राम का मूल्य निकाल लेना है। इससे क्या हो जाएगा ना कि 300 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम यानी कितना हो 100 ग्राम का मूल्य निकालना हो तो 100 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा ना, तो काफ़ी आसानी हो जाएगा 300 ग्राम का मूल्य निकालना। अब देखिए 100 ग्राम का मूल्य निकालना है तो यह 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो इसको हम गायब करेंगे और इसका इफेक्ट बराबर के राइट में क्या पड़ेगा, जो भी नंबर से इसमें दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के यहाँ पर 2 दशमलव लगाना पड़ेगा। इन देखिए बराबर मतलब होता है बटा और बटा में संख्या कटता है तो जाहिर सी बात है कि बराबर में भी कट सकता है, तो 1 जीरो को काटा और इधर राइट में दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़ के 2 दशमलव लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि हमारे 100 ग्राम का जो मूल्य है 3.5 रुपये यहाँ पर निकल कर आ गया, कितना रुपये, 3.5 रुपये, लेकिन हमको 300 ग्राम का निकालना है तो 300 ग्राम में ये जो 300 ग्राम है इसमें का जो पहला अंक 3 है ना, इसी 3 से हमको क्या करना है, बराबर के लेफ्ट और बराबर के राइट सिर्फ गुना कर देना है। तो यहाँ पर पहले से 100 है तो 100 × 3 ग्राम है तो ग्राम, यहाँ पर पहले से क्या है 3.5 रुपये है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसी 3 से गुना कर देंगे, रुपये है तो रुपये, 100 का गुना करेंगे 3 में तो ये हो गया हमारा 300 ग्राम। और 3.5 यानी 3.5 का गुना करना है 3 में, देखिए 3 × 15 = 5 हारसिन 1, 3 × 3 = 9 एक हारसिन हो जाएगा तो 10, 10 हो गया, 1 अंक के बाद दाहिने तरफ से 10 दशमलव है तो इसमें भी 1 अंक के बाद 10 दशमलव, यानी 10.5 रुपये यानी 10.5 रुपये ये हो गया हमारा 300 ग्राम का मूल्य। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।